महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा है याद, देशवासियों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश याद कर रहा है, बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि देशवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की आज 66वीं पुण्यतिथि है। उनका निधन सन 1956 में 6 दिसंबर के दिन हुआ था। वह भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, साथ ही अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में बड़े अभियान की शुरुआत की थी। श्रमिकों से लेकर किसान और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े भी थे और उनका जमकर समर्थन भी किया था। अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने, गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अर्पित किया था। माना जाता है कि इस कारण बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इटावा में अनेक जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनपद इटावा में अनेक जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती, दीपक व पुष्पहार पहनाकर उन्हें याद किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सच्ची श्रद्धा रखने वालों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला संवाददाता इटावा, पवन सिंह की रिपोर्ट।